मीडिया को बाद में सारे क्वेश्चन राइट। हाउ यू गाइस, एक बार जोर जोर बजा लो यार, ठंडे पाए हो, कैरी ऑन घंटा थ्री आ रही है। किवें हो सारे जने, एक बार जोरदार तालियां ला दो सारे जने, कम ऑन। तो आप ही बोलो, मेरी तो सुन नहीं रहे। मूवी ऐसी बनाओ कि चार लोग बोले उसका अगला पार्ट कब आ रहा है। मूवी ऐसी बनाओ कि लोग बोले कि 29 जून को हम छुट्टी ले रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कैरी ऑन जट्टा दी स्टार कास्ट। बहुत अमेजिंग ट्रेलर है, स्वाद आ गया देख के। गिप्पी बाजी वेलकम, विनू बाजी, कुकी बाजी, कविता जी, सोनम, समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल्सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेंड्स कॉन्सर्ट। राइट, ओवर टू यू विशाखा। ओके, तो पहला जिन्हें कि तुम सारे जानते हो, अपनी मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 आ रही है 29 जून को। ते अपनी मूवी लई सारी स्टार्स जिथे मौजूद है, गुरप्रीत सुखी जी ने, कविता कौशिक जी, सोनम बाजवा जी, गिप्पी गरेवाल जी, मीरू ढिल्लों जी, मुनीष सानी जी, समीर कम जी, तुहाडा सारिआं दा असीं स्वागत करदे हां कि तुसीं सारे अज इत्थे इकट्ठे होए अज प्रेस कॉन्फ्रेंस लई। एंड जिवें कि तुसीं सारे जानदे हो कि 29 जून नूं अपनी मूवी अपने नियरेस्ट सिनेमा घरां विच आ रही है। ते उस तों पहलां मैं विशाल जी नूं कहूंगी कि अपना मीडिया नाल थोड़ा जिहा इंटरैक्शन कर दिओ। मूवी ना डायलॉग बड़े घेंट में, बड़े बढ़िया डायलॉग है। डायलॉग है मूवी की, यू नो, जो चार दिन से सेट होगी तो कुड़ी चंगे खानदान की होनी है। बस बढ़िया डायलॉग है। ये मेरे सारे पुराने मीडिया वाले, यू नो, ये मेरे वर्गे ने, इन्हों की फोन से सेटिंग है, पर इन्हों की आपकी कोई सेटिंग नहीं किसी का। इतना ही सैटिंग की जो गल करिए कि है ना कि मूवी की एक बड़े हस्बैंड जी ने मूवी इंप्रेस करने वास्ते काफी कुछ किया जा रहा है। हर कोई कुछ इंप्रेस भी करता है, यू नो, सीन बनाने वास्ते। मैं भी एक कुड़ी को इंप्रेस करना सी, है ना भाजी, एक कुड़ी को इंप्रेस करना सी। मैं कहा कि चल मेरे नाल, तैनु खवाऊंगा समोसे ते चाट, चल मेरे नाल तैनु खवाऊंगा समोसे ते चाट। कहिंदी होर तां कुछ नहीं, तैनु मैं बस चित्रां दी घाट। मैं कहा कि चल मेरे नाल तैनु घुमा दूं चंडीगढ़ ते मोहाली। कहिंदी सुक्का सुक्का जिहा फिरदा मैं जुत्तियां ना खा। मैं कहा तू कितें चलदे आ, जिहनू 29 जून नूं आ रही हूं फ्री, कितें चलदे आ 29 जून नूं आ रही हूं फ्री। कहिंदी मैं तां चली आ कैरी ऑन जट्टा 3 एंड राइट। उससे पहले यू नो सॉन्ग जी, सॉन्ग से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सब जानते हो, सारे जानते हो, पहली इहो जी पंजाबी मूवी है जिसका ट्रेलर लॉन्च बॉम्बे विच जाके होया है। इहदे बड़े लेवल ते होया है, ते इहदे लई बहुत जोरदार ताड़ियां हो जाए। ये अपनी एक ट्रेंड सेटर कॉमेडी मूवी है जिन्हें अज तक किसी मूवी नूं नेड़े नहीं लगन दिता। इहदा थर्ड पार्ट आ रहा है जी, कैरी ऑन जट्टा 3। ते आपां उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे इहनूं ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਊਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਆ ਜੀ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? तो आतिफ असलम जी के बाद में बुरा हाल थोड़ा ज्यादा ना हो, इस तो पहला सी बुरा हाल दोनों। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ सॉन्ग रिलीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां भाई। ओ डायलॉग की टोन चार पांच बारी हो गया अलग-अलग, राइट? पहली नॉर्थ, तो फिर हम बिहार से हैं चेंज, तो फिर हम बिहार से हैं बबुआ चेंज, तो फिर बिहार से हैं बबुआ। अभी दिन से देखिए गोले नहीं मारे। अच्छा भाई लास्ट चेंज, एक एक बार रोंदे हुए भी होता तो फिर हम बिहार से हैं बबुआ, क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, तालियां आज मुड़ी है लाल साहब का। सॉरी वो डायलॉग है ना, थोड़ा मीटिंग पर नहीं, मेरे बड़े हस्बैंड जी डायलॉग बड़ा बढ़िया। हेलो, ये वाला तो आपको ना वो डायलॉग बोलना है, अलग-अलग टोन में चार पांच बार
पहली बार ये कि हस्बैंड को आ रहे हैं, मुंडा कहता है डैडी मेरे खड़े नहीं कर सकते, वो भी डायलॉग बड़ा लगे सर
नहीं जब ये पास से तेरे आप क्या आएगा उनका कैसे
ਸਿਨੇਮਾ
ना इतने तक पहुंचता कॉमेडी फिल्म इतने तक ना पहुंचदिया तो साढ़े को वीनू ढिल्लोवाल वर्गे कलाकार भी कितना आते हैं क्योंकि जो आउटलैंड कॉमेडी के लड़ पेगी उदो इतना कलाकार की लड़ पैंती करणजीत अनमोल सिंगिंग करते करते कॉमेडी छोड़े उन्होंने असली किला लग सी वो ये कॉमेडी जसविंदर भल्ला साहब साढ़े सारे सीनियर ने इस वे सो इन्होंने तो पहलों अपने आप को प्रूव किया ही होया पर सिनेमे के पंजाबी सिनेमे योगदान वो कदे भी नहीं भुलाया जा सकता तो उस अलावा जो मैं गल करा तो साढ़े को अच्छ कविता कौशिक जी चाहे पंजाबी इन्हों की जबान अपनी नहीं है मातृ भाषा इन्हों की पंजाबी नहीं है पर पंजाबी इन्नी शिद्दत नाल इन्होंने सिनेमे के हंडाया इन्नी मुहब्बत के नाल परफॉर्म किया कि सारे एक हैरानी होंगी जो अभी कहने कि शी इज नॉट फ्रॉम पंजाब ये अच्छ तुम निगर पंजाबन लगती है अपने सिनेमे के सो इन जितने पंजाबी सिनेमे इस्तेमाल अभी किया धन्यवाद भी करना कि थोड़ा भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि साढ़े को परफॉर्म करने वाले पंजाबी कुड़ियाँ बहुत घट हैं तो साड़ी फिल्म कैरियर चिट्टा बन दे कोई तो खास गल होगी कि तत्कालीन यानी अज के समय की सब तो वही जिगरन है नहीं आप सारी भाजपा नहीं कहना मतलब कि भाजपा सबको वैसे तो पंजाबी भाषा के कह के भी स्वाद आ जाता पर यह कुड़ी जी है साड़ी सोनम बाजवा पीलीभीत वाले पासे जम पल के यूपी के पैदाइश हुई उत्थे की प्रतिशत सारी पर अज ये कहा जाता है कि सब तो साफ जबान पंजाबी शुद्ध ठेठ पंजाबी किसी की है तो वह सोनम बाजवा जी है तो जे सोनम ने और थैंकफुल टू बीपी भाजी उन्होंने सारी टीम बाकी
ਬਾਕੀ ਵਿਨੋ ਜੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੋਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ बचपन से जब मेरे को
रोकता क्या मैं चंगा नहीं कहना आदर पिकर की गल सी रोकी आ मैं चंगा कीता पहले दोनों पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट एक डिफरेंट फील आती है पिक्चर देखते हुए।
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਕਟਰ ਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਜ ਏ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਕੈਰੀਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਫੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ for